वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 सितंबर 2022 और 8 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टूडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली मेरी आपको ये 6:30 पर ये क्लास मिलती है। पिछले 2 दिनों से आपको ये क्लास नहीं मिली, तो आवश्यक कार्य की वजह से आपको क्लास नहीं मिली। तो ये चिंता मत करना कि पीछे के क्वेश्चन हमको नहीं मिले, तो आगे आपको जितने भी मैं साथ साथ में क्वेश्चन वो पीछे रह चुके हैं वो साथ साथ में आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पिछले जो वीडियो में करवाए थे उसके क्वेश्चनों का रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा में किन 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो पहला था इसमें सोतियारा छिम, दूसरा था तदासी हतोरी और तीसरा था बर्नाडेट मैड्रिड और चौथा था गेरी बेनिचेंगी। तो इन चारों के नाम आप अच्छी तरह से याद रखना। हाल ही में कौन सा देश क्वाड वशिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है? तो ये किसने भी किया है? भारत देश ने, नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश का सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है कनाडा देश की जो सड़क है उसका नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया। हाल ही में किसने स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए हैं? तो ये किए हैं हरदीप सिंह है पुरी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन रिविजन था। अब हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अनिश्का बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में अनिश्का बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 6 साल की अनिश्का बियानी ने कुआलालंपुर में मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कितने साल की ये? 6 साल की। धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा अनिश्का ने लड़कियों के अंडर यानी कि 6 ओपन वर्ग में संभावित 6 में से 4 अंक जुटाकर स्वर्ण पदक अपने नाम है किए हैं। तो ये कहाँ पर खेला गया? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। और अभी अनिश्का बियानी ने इसमें क्या है, शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा क्वेश्चन देखो। हाल ही में 18वीं लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 18वीं लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है तनिकेला भरणी को। ऑप्शन नंबर 1 किसको? तनिकेला भरणी। अब देखो, ये लेखक तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरणी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन यानी कि 18वां ये लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार था और उनको साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये एक तेलुगु लेखक और अभिनेता भी थे। कौन है? तनिकेला भरणी। और इनको अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपये का नगद पुरस्कार है दिया जाता है। तो इसे आंध्र ज्ञानपीठ के नाम से जाना जाता है और साथ में इसमें 2 लाख रुपये का नगद पुरस्कार है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य के फरुखाबाद में जेल का खाना को यानी कि जो जेल का खाना है उसको 5-स्टार फेसिंग रेटिंग मिली है? तो फेसी रेटिंग मिली है, ये मिली है उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये फरुखाबाद। इसमें जेल का जो खाना है उसको क्या है, 5-स्टार FSSAI रेटिंग है मिली है। अब देखो मुख्य तथ्य। यूपी के फरुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से 5-स्टार की रेटिंग दी गई है। कहाँ पर है? यूपी के फरुखाबाद जिले में अभी जो भी जेल में जो बंद कैदी हैं उनके लिए 5-स्टार की रेटिंग खाद्य सुरक्षा मानवाधिकार द्वारा दी गई है। FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5-स्टार इट राइट सर्टिफिकेट दिया। और जो ये सर्टिफिकेट है ना, ये प्रमाण पत्र
ये 18 अगस्त 2024 तक है वैध रहेगा। कब तक है? 18 अगस्त 2024 तक है। ये अच्छी तरह से नोट कर लेना आप। अगला देखो, हाल में शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत में प्रतिष्ठित शिक्षकों को किसने राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है 5 सितंबर को ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य पर क्या है हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी प्रतिष्ठित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत के 46 असाधारण शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कितने? 46 असाधारण शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को भी ये पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की प्रत्येक विजेता को प्रमाण पत्र यानी कि 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक से इनको सम्मानित है किया गया है। तो इसमें जो है सम्मानित किया गया है उसमें 50,000 रुपये का उनको नगद पुरस्कार और एक रजत पदक से इनको सम्मानित है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप को किस राज्य सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप को किस राज्य सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने। तो कर्नाटक राज्य सरकार की एक योजना है, उसमें ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता है सुदीप, इनको इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटी दत्तु योजना, कौन सी है ये? पुण्यकोटी दत्तु योजना यानी कि मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया। किसको? ये फिल्म अभिनेता है किच्चा सुदीप को। पशुपालन मंत्री हैं कर्नाटक के प्रभु वी चव्हाण ने सुदीप के जन्मदिन के अवसर पर यह ट्वीट में घोषणा की कि अभिनेता ने इस योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है भी पुण्यकोटी दत्तु योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो पहला इसमें महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये तीनों ही राज्य क्या हैं पोषण अभियान योजना लागू करने में 3 राज्य इसमें टॉप पर रहे हैं। अब देखो मुख्य तथ्य, केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात अव्वल रहे हैं। तो ये 3 राज्य ध्यान रखना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। उसके बाद में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है सिक्किम, सबसे आगे है। तो छोटे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला सिक्किम सबसे आगे, और टॉप आपसे पूछे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जो है शीर्ष स्थान पर रहे। और इसमें अभी पोषण अभियान की जो शीर्षक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 19 बड़े राज्यों में 12 का 93 अंक यानी कि 70% से अधिक है। कितने हैं? यानी कि 19 बड़े जो राज्य हैं उनमें 12 का जो 93 अंक है वो 70% से अधिक रहा है। अगला देखो, हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो जापान ओपन का खिताब जीत लिया है इन 2 खिलाड़ियों ने। एक तो है केंटा निशिमोटो और दूसरा है अकाने यामागुची। तो ये पुरुष और महिला एकल इन 2 खिलाड़ियों ने जापान ओपन का खिताब है जीता है। जापान के केंटा निशिमोटो और अकाने यामागुची ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। विश्व रैंकिंग के नंबर 21 निशिमोटो ने पुरुष एकल फाइनल में ताइवान के 34 सीड चौ तियन चेन को हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जीता है। बस इन दोनों का नाम अच्छी तरह से याद रखना भी, जापान ओपन 2022 का पुरुष और महिला एकल का खिताब है एक तो केंटा निशिमोटो और दूसरा है अकाने यामागुची ने अपने नाम खिताब किए हैं। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ये बनाएगी गुजरात के हजीरा में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडिस, अंशु मलिक, अलका मित्तल, वेदांत माधवन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कंटिन्यू आपको ये क्लास 6:30 मेरी डेली आपको ये क्लास मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।